एक होम प्रेगनेंसी किट कैसे बताती है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है? जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके 10 दिन बाद वो एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये जो हार्मोन होता है ये उसके यूरिन में एज वेल एज ब्लड में प्रेजेंट होता है। जब फीमेल यूरिनेट करती है उस किट पे, तो उस किट में प्रेजेंट होती है कुछ एंटीबॉडीज, यानी कि कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस यूरिन में HCG जो प्रेजेंट है उससे बाइंड हो जाएगा। एक बार जब ये बाइंड हो जाता है तो ये यूरिन के साथ आगे फ्लो करने लगता है और वहां पे वो पहुंचता है एक टेस्ट जोन में। उस टेस्ट जोन में भी ऐसे ही कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको एंटीबॉडी कहते हैं और वो बिल्कुल उस स्ट्रक्चर से चिपके हुए होते हैं, यानी कि किट से चिपके हुए होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये वो जो पहली वाली एंटीबॉडी है सिर्फ उससे तभी बाइंड कर सकते हैं जब पहली वाली एंटीबॉडी से HCG बाइंड है। तो ये तीनों जो है एक दूसरे से बाइंड कर जाते हैं और ये एक सैंडविच की तरह दिखते हैं जिसमें जो HCG है वो बिल्कुल सेंटर पे और दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब जो पहली वाली एंटीबॉडी है जो कि HCG के साथ बहकर आई है, उस एंटीबॉडी पे प्रेजेंट होता है एक एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, जो टेस्ट जोन में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको तोड़ देता है। उनको तोड़ने की वजह से क्या होती है, उनके तोड़ने की वजह से डाई बनती है और वो जो डाई है उसकी वजह से आपको एक स्ट्रिप दिखती है जो कि ब्लू कलर की भी हो सकती है, पिंक कलर की भी हो सकती है, जो कि आपको ये बताती है कि आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो किट है ये ठीक से वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही है? ये जो एंटीबॉडीज होती है जो यूरिन के साथ फ्लो होके आ रही है, ये टेस्ट जोन से आगे बहके भी चली जाती है और वो बहके जाने के बाद वहां पर उनको एक कंट्रोल जोन मिलता है। उस कंट्रोल जोन पे भी कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वहां पे चिपके हुए होते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं वो जो बहकी हुई आई हुई एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर सकते हैं, भले ही उस एंटीबॉडी के पास HCG प्रेजेंट हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन में उससे बाइंड कर पाएंगे, जिसकी वजह से वंस अगेन वहां पे जो बहके आई हुई एंटीबॉडी है उसका एंजाइम वहां पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा और जिसमें से डाई रिलीज होगी और आपको कलर मिलेगा। तो जो कंट्रोल है उसमें आपको कलर मिलने ही वाला है, भले ही आप प्रेग्नेंट हो या फिर नहीं हो। वो कंट्रोल आपको ये बताता है कि आपकी जो टेस्ट किट है वो बिल्कुल ठीक से काम कर रही है। तो इस पे दोनों ही एंटीबॉडीज बाइंड कर सकती है, भले उस पे HCG प्रेजेंट हो या नहीं हो, लेकिन टेस्ट पे सिर्फ वही एंटीबॉडीज बाइंड कर पाएगी जिनके पास HCG प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से ये जो होम टेस्ट किट है ये वर्क करती है। आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।